पंजाब में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। हालांकि आपने देखा होगा कि जो तमाम पार्टियां हैं, तमाम दिग्गज पार्टियां हैं, सभी ने कमर कस ली है। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टी ताकत झोंकेंगी। 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होनी है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। तो बड़ी जानकारी, पंजाब में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन, हालांकि देखा होगा कि तमाम दिग्गज पार्टियों ने कमर कस ली है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी यश खुराना जुड़ गए हैं। यश, क्या लग रहा है आपको? हालांकि तमाम दिग्गज पार्टियों ने कमर अच्छे से कस रखी है, लेकिन इस बीच आज जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। बिल्कुल साधना, पंजाब में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 6 बजे चुनाव का शोर थम जाएगा और इसके बाद बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आए लोगों को पंजाब छोड़ना होगा। सिर्फ वही लोग पंजाब में रह सकेंगे जो यहाँ के वोटर हैं। चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में रुकने के लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम पंजाब के होटल, गेस्ट हाउस समेत सभी जगहों को खंगालेगी। अगर कोई बाहर का व्यक्ति मिलता है तो उसे तुरंत निकाला जाएगा। तो पंजाब में 20 फरवरी को सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी, जैसा कि हम जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, आज शाम 6 बजे से पंजाब के शराब ठेके 20 फरवरी को शाम 6 बजे तक या वोटिंग खत्म करने तक बंद कर दिए जाएंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इसके अलावा बात करें, चूंकि जैसा कि हम लगातार जानते हैं कि सभी राजनीतिक दलों की ये मंशा है कि कैसे ना कैसे करके सभी वर्ग को साधा जाए, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, महिला वर्ग हो, ट्रांसजेंडर हो, या फिर दिव्यांग हो, या फिर सर्विस वोटर हो। तो पुरुषों की संख्या की अगर बात करें तो पंजाब में 1,12,00,000 है। महिलाओं की बात करें, क्योंकि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है हमेशा पंजाब में, 1,02,00,986 महिलाएं हैं इस बार जो वोटर हैं। ट्रांसजेंडर की संख्या की अगर बात करें तो 727 है। दिव्यांगों की संख्या की बात करें तो 1,58,341 है। तो तमाम दिग्गज चेहरे मैदान में है, लेकिन आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है, साख दांव पर है, और सबसे बड़ी प्रतिष्ठा साख दांव पर है कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए चरणजीत सिंह चन्नी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। चमकौर साइड में क्या होता है ये भी देखना होगा। और इसके साथ साथ चाहे बीजेपी की बात करें, अकाली दल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है। चूंकि 2017 में देखा गया था कि आम आदमी पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई थी। आम आदमी पार्टी के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पहले जैसा प्रदर्शन रहेगा या फिर पहले से भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन रहेगा। तो वही चुनौती बीजेपी और अकाली दल के लिए भी है। क्योंकि बीजेपी के लिए चुनौती इस बार अलग इसलिए है कि अकाली दल ने किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी का साथ छोड़ा था। बीजेपी छोटे छोटे दलों के साथ अलग से अपनी परिस्थितियां पैदा कर रही है ताकि समीकरण उनके पक्ष में बने। अकाली दल इस बार पहले बीजेपी के साथ थी, अकाली दल इस बार बीएसपी के साथ है। तो ऐसे में दलित वोटर और सारे वर्गों को जो साधने की राजनीति है, तमाम राजनीतिक दलों ने खूब मेहनत की है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, या फिर तमाम केंद्र स्तर के जो नेता हैं वो जुटे हुए थे। आम आदमी पार्टी ने भी अपने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन आज जिसका बेसब्री से इंतजार था वो हो जाएगा। हालांकि ये जो चीज है राजनीतिक दलों को थोड़ा परेशान जरूर करती है कि चुनाव प्रचार थम जाएगा, फिर जो दिल की धड़कने हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है कि आखिर कितने प्रतिशत तक वोटिंग होगी। ये बहुत मायने रखता है क्योंकि समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं, चाहे चुनावी माहौल में यूपी की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, या गोवा की बात हो, या फिर किसी अन्य राज्य की बात क्यों ना हो, जहां पर ये चुनावी बिसात बिछी हुई है। चलिए यश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।